राजस्थान की बहुत ही फेमस दही वाली मिर्ची, एक ऐसी वर्सेटाइल डिश जिसे आप चाहे तो चटनी की तरह या फिर नाचोज और सैंडविच में एक स्प्रेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये हर फ्लैट इंडियन ब्रेड के साथ अच्छी लगती है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम ले लेंगे मिर्ची। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मोटी वाली मिर्ची ली है जो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है। इसके साथ में स्पाइसीनेस ऐड करने के लिए मैंने 5 से 6 तीखी वाली मिर्च ली है। आप चाहे तो पूरी चटनी तीखी वाली मिर्च से भी बना सकते हैं। साथ ही लिए 8 से 10 कलियां लहसुन की, जिसे आप चाहे तो मिर्ची के साथ पीस सकते हैं या फिर अलग से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सर जार में मैंने सारी मिर्ची डाल दी है और इसे हम पीस लेंगे और एक दरदरासा पेस्ट बना लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें नहीं करना है। अब करीब 1 कटोरी यानी 200 ml दही मैंने ली है, जो कि काफ़ी थिक और फ्रेश कर्ड है। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को दही में हम मिक्स कर लेंगे। जब मसालों को दही में मिक्स करके हम डालते हैं तो दही फटती नहीं है, यानी दानेदार होकर पानी नहीं छोड़ती है। तो सभी मसाले दही में एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब एक कढ़ाई या पैन में ले लेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच के करीब सौंफ, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर इस चटनी में आएगा, और थोड़ी सी हींग। अब इसमें डाल देंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की। लहसुन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे हल्का सा क्रश कर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे वो हरी मिर्च जिसे हमने दरदरासा पीस कर रखा था, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि मिर्ची और लहसुन का जो कच्चापन है वो एकदम ख़त्म हो जाए। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे वो दही और मसालों का मिक्सचर जो हमने बनाकर रखा था। मिक्सचर को डालते ही आप लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि मिर्ची और दही अच्छे से मिल नहीं जाती। उसके बाद आप फ्लेम को दोबारा ऑन कर दें या फिर तेज़ कर दें, और फिर इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि इस ग्रेवी में अच्छा सा एक बॉयल नहीं आने लगता। इस तरह से दही फटेगी नहीं, और हमने नमक अभी तक ऐड नहीं किया है। तो इसे ढककर अब लो फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक दही का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और वो तेल नहीं छोड़ने लगती। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। दही वाले किसी भी चीज़ में नमक आप एंड में यूज़ करें, ताकि दही फटे नहीं। तो हमारी चटपटी सी मिर्ची लहसुन की चटनी है बिल्कुल तैयार, और ये हर फ्लैट इंडियन ब्रेड यानी कि सादे पराठे, पूड़ी या रोटी सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये राजस्थान की दही वाली मिर्ची एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें।